नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से दो ऐसी खबर सामने आई है जो कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी है, साथ ही साथ आधुनिक तरीके से आप कैसे खेती कर सकते हैं ये भी आप जानेंगे। इसके अलावा प्राकृतिक प्रेमियों के लिए भी एक खबर मन को गदगद करने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे सहारनपुर से आई इस खबर की कि आज जिस तरह से खेती में हद से ज़्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल हो रहा है, उससे पैदावार तो बढ़ रही है लेकिन इसके इस्तेमाल का प्रभाव लोगों के जीवन पर साफ पड़ता हुआ देखा जा सकता है। खेती में रासायनिक खादों के अंधाधुंध इस्तेमाल की वजह से लोगों का स्वास्थ्य लगातार खराब हो रहा है, लेकिन सहारनपुर में एक अनोखे तरीके की खेती की गई जिसमें कई सालों से किसी रासायनिक खाद कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल नहीं किया गया है। देखिए कैसे आज के दौर में बिना रासायनिक खाद के हो रही खेती, इस किसान ने की अनोखी पहल। गौमूत्र और गोबर से तैयार खाद का कर रहा इस्तेमाल, कृषि भूमि और लोगों के स्वास्थ्य का रखा ध्यान। फसल की ज्यादा पैदावार के लिए आज के दौर में रासायनिक खादों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन इसका असर न सिर्फ मनुष्य के स्वास्थ्य पर बल्कि कृषि भूमि पर भी पड़ रहा है। कृषि भूमि रासायनिक खादों के इस्तेमाल से कुछ समय तक तो अच्छी पैदावार देती है लेकिन इसके बाद इस भूमि की उत्पादन क्षमता घटने लगती है। लेकिन आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि जनपद सहारनपुर के गंगोह ब्लॉक के गांव फतेहचंदपुर में दीपक चौधरी नाम का एक ऐसा किसान है जिसने सन 2014 से अब तक अपनी लगभग 10 एकड़ जमीन में किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल नहीं किया। इस प्रगतिशील किसान ने अपने घर पर 10 देसी गाय पाल रखी है। साल 2014 से किसान गौमूत्र और गोबर से तैयार खाद से ही प्राकृतिक खेती करने का काम कर रहा है और मुनाफे की बात करें तो जो किसान रासायनिक खेती कर रहा है उसके मुकाबले प्राकृतिक खेती से ये किसान दो गुना ज्यादा मुनाफा कमाने का काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, मुनाफे के साथ साथ ये किसान लोगों को अपनी पैदावार के जरिए अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान कर रहा है। साल 2014 में इस किसान ने महाराष्ट्र के अमरावती जिले के रहने वाले पद्मश्री से नवाजे गए सुभाष पालेकर की बताई गई पद्धति के अनुसार ही इस प्राकृतिक खेती की शुरुआत की थी। हालांकि शुरुआत में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये जो प्राकृतिक खेती है जी, ये हमने 2014 में शुरू की थी और थाना भवन से आदरणीय धर्मपाल सिंह जी हैं, ठाकुर धर्मपाल सिंह जी, उनकी प्रेरणा से। और सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि की एक पद्धति है जो हम लोग जिसका अनुसरण करते हैं और इसमें सिर्फ देसी गाय का गोबर और गोमूत्र ही इस्तेमाल होता है। इसमें कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी खाद, कोई भी दवाई या किसी भी तरह का जो भी बाजार में जो चीज़ बिकती हैं खेती के संसाधनों के नाम पर, वो कोई भी इस तरह की चीज़ इस्तेमाल नहीं होती। रसायन मुक्त उनके उत्पादों को खरीदने के लिए ग्राहक स्वयं उनके गांव फतेहचंदपुर में पहुंचते हैं। गन्ने से किसान गुड़ और शक्कर बनाकर बेचता है जिसे खरीदने के लिए जनपद सहारनपुर ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के कई राज्य ऐसे हैं जहां से ग्राहक उनके घर पहुंचते हैं। प्राकृतिक खेती कर लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के कारण आज ये प्रगतिशील किसान सहारनपुर ही नहीं बल्कि पास पड़ोस के कई जिलों और राज्यों में काफी पॉपुलर है। गंगो ब्लॉक के गांव फतेहचंदपुर के एक प्रगतिशील किसान ने गौमूत्र और गोबर से खाद तैयार कर कुछ वर्ष पूर्व प्राकृतिक खेती की शुरुआत की थी। आज यह किसान सामान्य किसान की तुलना में न सिर्फ प्रतिवर्ष लाखों रुपए का मुनाफा कमाने का काम कर रहा है बल्कि लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के साथ साथ अन्य किसानों को भी यह विधि अपनाकर मुनाफा कमाने के लिए प्रेरित कर रहा है। अपने सहयोगी साथी संजय चौधरी के साथ न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी। अब आगे बढ़ते हुए ऐसी एक और खबर का रुख करेंगे जिस खबर से वाकई हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट 15 मई को खुलने वाले हैं और इस बार बाबा बद्री विशाल का भवन शामली के मारूफ खान के फूलों से महकेगा। जी हां, शामली के प्रगतिशील किसान मारूफ आलम अपनी फूलों की खेती से पूरे देश में नाम कमा रहे हैं। किसान का कहना है कि उनकी इच्छा है कि क्षेत्र के युवा भी फूलों की खेती कर देश का नाम रोशन करें। मारूफ खान के फूल राष्ट्रपति भवन और संसद भवन में भी अपनी शोभा बढ़ा रहे हैं। देखिए, फूलों की खेती कर देश का नाम किया रोशन। शामली के मारूफ खान के फूलों से महकेगा बाबा बद्री का भवन। इन फूलों ने बढ़ाई राष्ट्रपति भवन, संसद भवन की शोभा। लोगों ने की खूबसूरत फूलों की सराहना।
शामली के गढ़ीपुख्ता कस्बे के मोहल्ला बिलोचियान निवासी किसान मारूफ आलम खान अपनी पैतृक जमीन पर फूलों की खेती करते चले आ रहे हैं। मारूफ खान ने बताया कि वो पिछले करीब 21 सालों से रजनीगंधा और ग्लेडियोस लोकल और मल्टी कलर फूलों की खेती कर रहे हैं। उनके पास 90 बीघा भूमि है, जिसमें से 62 बीघा जमीन पर फूलों की खेती की जा रही है। उन्होंने हॉलैंड से ग्लाइड प्लस का बीज लाकर खेती की शुरुआत की। शुरू शुरू में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उनके खेत फूलों से खिल उठे। मारूफ खान ने बताया कि वो दिल्ली के गाजीपुर मंडी में अपने फूल लेकर जाते हैं, जहां उन्हें फूलों के बड़े किसान के रूप में पहचान मिली। इन दोनों फूलों की किस्मों की देहरादून, चंडीगढ़, पटियाले में बहुत ज्यादा मांग है। उनके द्वारा उगाए गए फूल राष्ट्रपति भवन, संसद भवन में भी सजाए जाते हैं। शादी विवाह, पार्टी के अलावा कई अन्य कार्यक्रम हो, इन फूलों से बने बुके ही भेंट किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि 24 जनवरी को शामली में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें सांसद प्रदीप चौधरी और डीएम जसजीत कौर द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। मैं सर फूलों की खेती करता हूँ। वैसे तो मैंने हमारे यहाँ आम के बाग हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन ये है कि मुझे फूलों से इश्क है, फूलों की खेती करता हूँ मैं। सर 21 साल मुझे फूलों की खेती में हो गए हैं। हाँ, लाभ भी है और मेरा शौक भी है। ये मैं बहुत ही, मेरी नस नस में बसा हुआ है फूल का शौक, और फूल को मुझे देखना भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन गन्ना जो यहाँ होता है, गन्ने खेती करते हैं, गन्ना बेल्ट है, मुझे गन्ना पसंद नहीं है। इसमें इनकम भी नहीं है, इसमें 5-6 गुना इनकम ज़्यादा है, इसलिए मैं इसे पसंद करता हूँ। से ये आप गन्ने की कह रहे हैं, गन्ने में अब गन्ना 15-16 हज़ार रुपये बीघा उतरता है, वो भी एक साल में पेमेंट आता है, लेकिन मेरा ये हार्ड कैश आता है और उससे 6 गुना ज़्यादा पैसा मुझे मिलता है। देखिएगा, मुझे 21 साल हो गए, इसमें कम से कम मैंने 3 करोड़ रुपया लेबर को दे चुका हूँ अब तक। मैं एक रफली कह रहा हूँ, करीब 25-30 आदमी मेरे इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, और जो सुबह शाम मेरे यहाँ काम करते हैं, कोई नुलाई करता है, कोई फूलों की कटाई करता है, कोई बंधाई करता है, कोई ले जाता है दिल्ली मंडी, कोई देहरादून जा रहा है, इस तरह से 25-30 आदमी मेरे पास जुड़े हुए हैं। मारूफ खान कहते हैं कि उनकी इच्छा है कि क्षेत्र के युवा भी फूलों की खेती की ओर अग्रसर होकर अपने देश का नाम विदेशों में भी रोशन करें। उन्हें लोगों ने सलाह दी है कि बिजनेस के तौर पर भी फूलों की खेती कर सकते हैं। मारूफ का कहना है कि हमारा क्षेत्र गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन वो उसके बावजूद फूलों की खेती करते हैं, क्योंकि गन्ने की फसल साल भर में महज 15,000 बीघा लगभग देती है और उनका पैसा भी एक साल बाद मिलता है, लेकिन फूलों की खेती से वो फूल बेचकर हार्ड कैश पैसा लेते हैं। इतना ही नहीं, मारूफ खान द्वारा फूलों की खेती किए जाने पर उन्होंने बताया कि वो करीब 25 से 30 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, जो कि उनकी फूलों की निराई गुड़ाई और मंडी में फूल बेचने जाना, फूलों का बंडन बनाना आदि काम में लगे रहते हैं। तो देखा आपने किस तरह से इन दोनों शख्स ने कुछ अलग करने की कोशिश की और उसमें ये सफल भी रहे। इसलिए हमें भी इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है और हिम्मत ना हार कर आगे बढ़ने की जरूरत है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी और शामली से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।